हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6.6। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले तो एक कंसेप्ट समझो आप। ठीक है, मैं दो कंसेप्ट समझना। ठीक है, एक हीट लॉस क्या होता है, हीट गेन क्या होता है। ठीक है, देखो पहला कंसेप्ट, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मैंने इससे इस लाइटर से इसको हीटअप कर रहा हूं, इसमें वॉटर है और इसको हीटअप कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हीटअप कर रहा हूं। ठीक है, और इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। कहां से? 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपसे पूछूं कि इसको हीट कितनी गिवन हुई, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। पहला क्वेश्चन बोलो, ये तेल है, इसको मैंने हीटअप किया, सपोज करो मैं तो मोर हीटअप किया, ये कोई लाइटर नहीं, एज्यूम करो कि ये कोई हीटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो मैं इससे इसको हीट कर रहा हूं और इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, सपोज करो इसका भी सेम हो रहा है 20 डिग्री तो 30 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि कितनी हीट गिवन हुई, तो कैसे निकालोगे। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Q=mc∆T, और अगर ये Q=, ये किलो जूल पर केजी केल्विन में होगा ये। ठीक है, और अगर किलो जूल पर केल्विन में, तो ये कैपिटल सी हीट कैपेसिटी डेल्टा टी, ये आ जाता है। समझ में आया है ना? तो अभी जैसे मान लो, सपोज करो ये वाटर का ही निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे, जैसे मान लो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस हो, तो डेल्टा टी कितना हो गया 10 डिग्री है ना, और इसपे से भी हीट ऑफ वॉटर, देखो इसपे से भी हीट डिपेंड करती है दोस्तों, टेम्परेचर का वेरिएशन होने पे भी, टेम्परेचर का चेंज होने पे भी सी इसपे से भी हीट चेंज होती है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि मतलब सपोज करो जैसे अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, और इसपे से भी हीट प्रोसेस पे भी डिपेंड करती है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये वाटर है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, लगभग 4.2 होती है। ठीक है, और मास अगर मैं इसको 2 kg मानू, तो ऐसे हम इसकी स्पेसिफिक हीट निकाल, वो हीट कितनी गिवन हुई निकाल सकते हैं ना। समझ में, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? मतलब किसी की भी, जैसे मान लो आप किसी को जैसे इस बोर्ड को हीटअप कर रहे हो, तो टेम्परेचर वगैरह चेंज हो रहा है बोर्ड में, तो जैसे वो निकालते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो लिक्विड्स के लिए आइडल गैस के निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक बात क्लियर होगी। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने इसको, इसने हीट गेन की, मतलब कितनी गेन की ये, ठीक है, तो इसकी कितनी लॉस हुई इस लाइटर की, अगर देर इज नो सराउंडिंग में, देर इज नो लॉस। मेरी बात समझ में आई दोस्तों? अगर मैं यहां से हीट इसको दे रहा हूं, तो ये गेन कर रहा है, तो इसका लॉस हो रहा है ना, अगर बाहर कहीं कुछ लॉस नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आया है ना? अब एक बात बताओ, आपकी जेब में अगर 100 रुपए थे, आपकी जेब में 100 रुपए थे और आपने किसी को दे दिए, ठीक है, और बाहर किसी को नहीं दिए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि आपका लॉस 100 रुपए का हो गया और सामने वाले का 100 रुपए गेन हो गया। समझ में आ गए है ना? अब ये दो चीजें समझ में आ गई, तो क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो जैसे 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्नड इन ए बोम कैलोरीमीटर, यहां 1 ग्राम क्या हो रहा है, बर्नड कर रहा है इन बोम कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन यहां फिट हो रही है। समझ में, ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइज फ्रॉम 298 केल्विन टू 290, मतलब ड्यूरिंग ये रिएक्शन होने पर क्या हो रहा है कि कुछ हीट हो रही है, तो ये बाहर का कुछ कैलोरीमीटर है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, चेंज हो रहा है कैलोरीमीटर का टेम्परेचर, चेंज हो रहा है 298 केल्विन टू 299 केल्विन। समझ में आ गया? और इसकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी भी दे रखी है आपको 20.7 किलो जूल, कैपिटल है, ठीक है, किलो जूल पर केल्विन। समझ में आया? ठीक है, अब आपको मैं ये पूछूं कि देखो इस कैलोरीमीटर को हीट कितनी गिवन हुई, कितनी गिवन, तो मैंने आपको अभी एग्जांपल देके तभी समझाया। समझ में, तो आप कैसे क्या बोलोगे, सर Q=CV∆TC निकाल लो, तो कितना, देखो टू सीवी कितना देगा 20.7 किलो जूल पर केल्विन, टेम्परेचर 299-298 केल्विन, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा 20.7
किलो जूल केल्विन कर रहा ना, सॉरी 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 सॉरी, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 20.6 किलो जूल, 20.7 किलो जूल, समझ में। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये हीट गेन कर रहा, अगर ये हीट गेन कर रहा है तो लॉस कौन कर रहा है, बोलो। मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया, हीट लॉस और गेन का, मतलब ये गेन कर रहा है तो इसका लॉस हो रहा है, इसका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूं कि इसका लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे, जैसे एक कन्वेंशन भी आपने अभी पढ़े थे कि अगर कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, इस ये वो, इस पे वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव, और ये सिस्टम बाहर कर रहा है तो नेगेटिव, समझ में है ना। और अगर इसको हीट गिवन हो रही है तो पॉजिटिव, और हीट लॉस हो रही है तो नेगेटिव, तो इसकी हीट लॉस हुई ना, तभी तो इसका गेन हुआ। तो इसका लॉस कितना हुआ, Q इक्वल टू माइनस 20.7 किलो जूल, किलो जूल, समझ में आया, ठीक है। अगर दोस्तों यहां तक समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं है, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, डेल्टा डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। अब इस रिएक्शन में कोई वर्क तो नहीं हो रहा ना, वर्क इक्वल टू जीरो, तो Q इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा U, समझ में। अब एक चीज और ध्यान से, ये माइनस कितना आ रहा, 20.7 किलो जूल आ रहा, ठीक है इसका, ठीक है। और इसमें कितना बंट हो रहा है, 1 ग्राम, कितना बंट हो रहा है, 1 ग्राम, ठीक है। तो हम ऐसे, ये तो 1 ग्राम के लिए, अगर मान लो ज्यादा के लिए निकालना चाहे तो आप ये लिख सकते हो ना, क्यू इक्व टू माइनस 20.7 किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर ग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहां से पुट करोगे कि डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इक्व टू, ये वैल्यू पुट करो, माइनस 20.7 किलो जूल पर ग्राम, है ना। और मोल में चाहिए तो दोस्तों आपको पता है 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम में 1 मोल होता है, 12 ग्राम में 1 मोल होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम में इक्व टू 1/12 मोल, तो इसमें पुट करो डेल्टा यू इक्व टू माइनस 20.7 किलो जूल, है ना, और माइनस 1/12 मोल, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उधर रब कर दूंगे दोस्तों, इसको रब कर देता हूं इधर, है ना। अब इसको डेल्टा यू इक्व टू माइनस 12 ऊपर चला गया ना, 12 × 20.7, और ये आ रहा है किलो जूल, है ना, और ये मोल, मोल ऊपर जाएगा तो मोल का पावर -1, तो डेल्टा यू इक्व टू, इसको सोल्व करो, 12 × 84 को चौको, वहां से लागे 8, है ना, वहां से लागे 8 और 0, ये 8 हो गया, और 12 × 24, 248 किलो जूल मोल का पावर -1, ये हो गया, ठीक है। और आपको एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन भी पता होना चाहिए, डेल्टा एच इक्व टू होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या डेल्टा एच इक्व टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। अब इसमें डेल्टा एन जी क्या है, देखो, नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टर, ठीक है। तो 1 डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या गई, डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई 1 − 1 = 0, तो ये क्या होगा, डेल्टा एच इक्व टू डेल्टा यू, और ये हो जाएगा −248.4 × 10 किलो जूल मोल का पावर -1, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, देख ऐसे आएगा 20.7 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। और इसमें देखो अगर मोल में चाहिए तो 1 ग्राम इक्व होता है 1/12 मोल, ये माइनस कैसे लगा दिया, ठीक है माइनस ये, ठीक है दोस्तों।